हेलो गाइस, तो फिर सभी का आपको स्वागत है आज की मेरी इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो आपका गूगल पे जो एप्लीकेशन है, आप इसमें जो बैंक ऐड करते हो वो बहुत बार इशू आती है कि आपका जो बैंक है वो वेरीफाई वगैरह नहीं हो पाता है। तो आपको इस सिचुएशन में क्या कर लेना, सबसे पहले मैं आपको बताना हूँ कि आप लोग को करना क्या। सबसे पहले वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए वॉच करना, और हम आपको प्रोसेस टू प्रोसेस बताते रहेंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। शुरू करने से पहले दो चार बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि हमारा जो एम है, हमारे चैनल का जो एम है, वो है कि 3 मिनट के अंदर ही वीडियो लेके आता है, ताकि आप लोग को वीडियो को अच्छी तरह समझाया जा सके और आपके जो टाइम को भी वो बचाया जा सके। इसलिए हम 3 मिनट के अंदर ही वीडियो को लाना की कोशिश करते हैं। और जो हमारा एम है, हमारे चैनल का जो एम है, वो है कि आपके लाइफ को सिंपल और ईजी भी बनाया जा सके। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को हमेशा की तरह दो चीज़ करना है। पहले तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करने से मोटिवेशन मिलती है और इससे हम पता चलता है कि हमारे वीडियो किन किन लोगों को पसंद आ रही है। और सेकंड काम है जो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि हमारे हर घंटे घंटे की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो हम आपको बात करने वाले थे कि गूगल पे में बैंक अकाउंट ऐड कैसे करते हो, और आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनाया है फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम प्रॉब्लम नाम करके, आप वहाँ पर जाकर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और वहाँ वीडियो नहीं मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हो, हम हर शख्स का कमेंट पढ़ते हैं और उस ताकि हम उस प्रॉब्लम की भी इशू बना सके और सॉल्व कर सके उस प्रॉब्लम की भी। और चलते हैं हम अपने स्क्रीन तरफ और हम आपको बताने वाले कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले देख सकते हैं जो आपका प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो है क्लिक करते हो। उसके बाद फिर यहाँ जो आपका बैंक का ऑप्शन है, देख सकते हो जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन है, आप जैसे इस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे जो है ऐड बैंक अकाउंट पे आप जैसे क्लिक करते हो, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सा बैंक ऐड करना है। तो आपको देख सकते हो यहाँ पे जो यहाँ पे पी अब मेरा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। देख सकते हो जैसे मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक किया, और यहाँ पे मैं सबसे ज़रूरी बता देता हूँ, यदि आपका सिम में रिचार्ज नहीं है या पे आपको रिचार्ज नहीं है तो उसमें आपका जो बैंक है वो वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो SMS आती है, देख सकते हो जैसे मेरा जो SMS अभी रिसीव हुआ, ये आपका में नहीं आती है, उसीलिए जो पेटीएम जो है वो नहीं हो पाती। और देख सकते हो जैसे मैंने फर्स्ट बार भी करके रखा था, सेकंड बार भी करके रखा था, तो यहाँ पे जो जो है वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो जो आपका बैंक अकाउंट है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। और आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से ऑफर्स, न्यू लेटेस्ट ऑफर के बारे में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करो चैनल, ताकि उस ऑफर्स की भी, उस जो लूट्स की भी जो है आप तक वीडियो हम लोग पहुंचा सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।